हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो हम अभी आने वाली वीडियो में बताएंगे आपको कि कितनी सच्चाई है इसमें। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सक्सेस टू वे को। देखिए, ये हमारा लोगो है और कैसा लगा है आपको ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये हमारा चैनल है सक्सेस टू वे, तो आपको कैसा लगा ये यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बच्चों, बात कर लेते हैं। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बहुत ही बच्चे बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उनके लिए मैं बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती, यूपी पुलिस कांस्टेबल 35,000 नहीं बल्कि 45,000 पदों पर विज्ञापन 5 जुलाई को होगा जारी। उम्र में 2 साल की छूट, लाखों अभ्यर्थी इस वजह से नहीं कर सकेंगे आवेदन। देखिए, ये इन्होंने आर्टिकल जो छापा है ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है वीडियो, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा थोड़ी सी डिटेल में। देखिए, ये वैकेंसी जो है आपकी मेरे हिसाब से इस वाली के लिए नहीं है, ये इन्होंने जो है एक बार में बना दिया है ये। और ये आपकी वैकेंसीज में देखिए क्या लिखा है, प्रदेश पुलिस में जल्द 45,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। उच्च स्तर के निवेश मिलने के बाद डीजीपी ने नई नियमावली का प्रारूप शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही इस पर नया न्याय वित्त विभाग में कार्य लेने के बाद कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की थी कि सिपाही भर्ती प्रक्रिया सरल होगी। इस मुद्दे पर विचार करते हुए हाल ही में प्रदेश सरकार ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती, देखिए ये 35,000 वैकेंसी आपको बता दूं मैं, ये अखिलेश के टाइम की वैकेंसी थी और इसे 45,000 किया गया था। अब ये जो है वायरल हो रहा है कि ये योगी सरकार ने कर दिया है, तो ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है बच्चों। आप अपनी तैयारी बस करके रखिएगा, आपकी 40,000 वैकेंसी आनी ही आनी है, वो पास हो गई हैं वो है। ये जो कटिंग है ये आपकी अभी की नहीं है, ये कटिंग बहुत पहली है और इसको पब्लिश किया जा रहा है अब। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, मैंने पूरी पड़ताल की और ये पुरानी जो है उठाई मैंने, तो अभी जो वीडियो अभी बहुत सारे YouTube चैनल इसको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ नहीं है और ये ज़्यादातर सही मानी जा रही है कि 5 जुलाई को फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई विज्ञापन जारी होने की बात नहीं कही गई है, ना ही 35,000 बल्कि, और इसमें अखिलेश यादव का नाम भी लिया गया, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री, ये सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती, ये 2011 वाली भर्ती, आपको ये समझ रहे हैं आप, ठीक है। 5 किलोमीटर की होगी दौड़ DGP, ये जो है ये सब जो हैं ये अभी का नहीं है, ये कटिंग जो है बहुत पुरानी है, ये किसी का ये चला दी है अभी तक। तो आप अपनी तैयारी क्लियर रखिए, मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा कि आप, ताकि भ्रमित ना हो कि क्या होने वाला, कि 2 साल की उम्र छूट वाले बच्चों को इस वजह से फार्म नहीं भरा जाएगा। ये भाई फार्म भरोगे आप बिल्कुल, इसमें 100% गारंटी है, आप फॉर्म भरोगे, अगर आपको छूट मिली है 1 साल की या 2 साल की, तो उसमें आप फॉर्म भरने, अगर एलिजिबल हो तो आप फॉर्म भरोगे जल्दी, ठीक है। और फॉर्म भी आने वाले हैं आपको, और ये झूठी अफवाह से बच के रहें भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माइंड में ऐसी वो कर देते हैं कि वो पढ़ने के लायक ही नहीं रहते, वो बस ये सोचते हैं कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हम पढ़ेंगे, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब हम पढ़ेंगे। तो भाई बिल्कुल मत करो ऐसा, अपनी तैयारी कर लो, अपनी 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर कर लो, ताकि आपको पढ़ना ही नहीं पड़े, उन्हें इतने कंटेस्ट कर दो तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। और बच्चों, हमारी वीडियो आती रहेंगी। वैसे बच्चों, आप शेयर करें चैनल को, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार अगर नहीं मिला तो चैनल ये नहीं चल पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट और प्यार बनाए रखें दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।